हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुफेटेक चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक सेटिंग बंद करने वाले जो कि होती है कॉल रिसीव। हम लोग करते हैं तो दोस्तों पावर बटन से यहाँ पर कॉल रिसीव हो रहा है। तो दोस्तों ये सेटिंग हमें बंद करनी है, गलती से कुछ सेटिंग यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर कॉल पर बात भी करते हैं, अगर गलती से पावर बटन दब जाता है तो कॉल हमारा यहाँ पर कट हो जाता है। तो दोस्तों ये सेटिंग होती है, ये सेटिंग ऑन रहती है। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए नॉर्मली आपको जो डायल कॉल होता है उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर चले जाने के बाद कॉर्नर पे आप लोग थ्री डॉट देखेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है। लास्ट में आप लोग देखेंगे सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेटिंग वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, आप लोग के सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों आंसर इंड कॉल का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, आंसर इंड कॉल में आपको इंटर हो जाना है। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे और इसमें इंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं चार ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर ऑफ करके ले लेना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रेस पावर बटन टू इंड कॉल, यही वो सेटिंग है दोस्तों, ये ऑन है। तो इसे हमें सिंपल यहाँ से ऑफ करके ले लेना है। अभी दोस्तों आप लोग अभी किसी का कॉल आ रहा है, अगर पावर बटन आपसे गलती से बटन दब जाता है तो कॉल रिसीव नहीं होने वाला, ना ही इधर कॉल इंड होने वाला है। तो चलिए दोस्तों ये सेटिंग हम लोग ने सीख ली है किस तरह से यहाँ पर जो हमारा पावर बटन का यहाँ पर सेटिंग हो जाती है कॉल रिसीव में या फिर कॉल इंड करने में, तो ये हमने यहाँ पर सीख लिया है। दोस्तों वीडियो को इसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।